Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am so excited to tell you something special that okay, so the good news is that I am really close to 1000 subscribers on YouTube. मेरे मुँह से बार बार इंसान निकल रहा होता है. मुझे सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 1000 के लिए, एंड आई थिंक रात तक वो हो जाएगा. एंड आई नो इट इज़ नॉट दैट बिग नंबर, बट फॉर मी इट इज़ रियली अ बिग न्यूज़ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इतने कम टाइम में. एंड मेरे रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं. थैंक यू सो मच टू यू गाइज. वन मोर थिंग ये कि वी आर गोइंग ऑन अ स्टेकेशन ऑन फ्राइडे बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वीकेंड. सैटरडे को आई थिंक ईद है, सो हम लोग फ्राइडे को जा रहे हैं स्टेकेशन में. एंड बेस्ट पार्ट है ये कि उस रिजॉर्ट में पेट्स अलाउड है. डोरा भी हमारे साथ जा रही है. मैंने अपना बैग निकाल लिया. इस बैग के अंदर एक और बैग है, दो बैग है, एंड डोरा भी हमारे साथ जा रही है. सो लेट्स स्टार्ट दी पैकिंग. पैकिंग से पहले मुझे याद आया कि मैंने भैया को बुलाया था ये चिक लगाने के लिए बैम्बू का. तो ये जो चिक है मैंने मंगाया था ऑनलाइन अमेजन से. अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ये मुझे अपने जो वॉशिंग मशीन है उसके साइड में लगाना था क्योंकि धूप बहुत तेज़ आती है. आई डोंट नो क्यों डोरा इसी के ऊपर सो रही थी बहुत टाइम से. आई थिंक इसको अच्छा लग रहा है, शायद ठंडा होगा, पता नहीं. एंड इट इज़ डन. वॉट आई डू कि जो जो कपड़े मुझे लेके जाने हैं मैं उनको एक साथ निकाल लेती हूँ, फिर उनको प्रेस करके फिर लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा आलस आता है वहाँ पे जाके प्रेस करने में. मैं प्रेस भी रखती हूँ कि जस्ट इन केस अगर कुछ क्रीज व्रीज आ जाता है तो मैं उसमें तब कर देती हूँ, बट मैं यहाँ से सारे प्रेस करके लेके जाती हूँ. तो मैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ. टेबल का जो कलर है लगभग सेम ही है. तो मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं सारे, अब मैं रखूंगी बैग में. आपको ये कपड़े थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि स्टेकेशन के बाद हम लोग कहीं और जा रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द पैकिंग. पैकिंग लगभग हो चुकी है, सो मुझे भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी. मुझे ना फुल लेंथ मिरर चाहिए था जिसमें मैं अपने आप को फुल जो ड्रेस होती है उसमें देख पाऊँ. तो ऑनलाइन काफ़ी महंगी मिल रही थी तो मैंने मंगवाया अपने कारपेंटर से. तो दिस इज़ द फाइनल लुक. इट वाज लुकिंग रियली अमेजिंग. और साइड में ये मैंने डायमंड के लगवाए हैं जो होल्ड करते हैं मिरर को. सो डिनर पे मैं बना रही हूँ लहसुनी पालक. मैंने अभी यूट्यूब में देखा है रेसिपी हाउ टू मेक, एंड लेफ्ट ओवर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी बिकॉज हम लोग परसों जा रहे हैं. तो बेटर है कि जो भी सामान है बचा हुआ उसको ख़त्म करके जाए. पालक को मैंने अच्छे से पानी में धो लिया था
उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में इसको डाल के उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के आप 1-2 सीटी दे दें, उसमें आराम से बन जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। ये मैंने गैस ऑन कर दिया है, 2 सीटी के बाद ये अच्छे से पक गई थी, यू कैन सी। नेक्स्ट जो स्टेप है, आप एक कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, आपको जो भी ऑयल डालना आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें फिर डालें आप थोड़ा जीरा, फिर आप डाल दें बारीक कटी हुई मिर्ची, फिर उसके बाद डाल दें आप लहसुन, फिर उसके बाद डाल दें आप बारीक कटी प्याज। अब उसको अच्छे से आप पकाएं। फिर मीनवाइल आपको क्या करना है, ये जो मैंने बॉईल किया था उसको आप अच्छे से मिक्सी में पीस लें। उसके बाद जो हम पेस्ट बना रहे थे वो पकने के बाद, प्याज पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे हम पिसी हुई पालक। इसको अच्छा कलर देने के लिए मैंने इसमें एंड में डाल दिया था थोड़ा सा नमक एंड दिस क्रीम। अब मैं अलग से तड़का लगाऊंगी इसमें, तो मैंने अलग से छोटे पैन में ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, फिर मैं लूँगी थोड़ा सा हींग, फिर उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, फिर लास्ट में मैं डालूँगी लहसुन एंड आप खड़ी मिर्ची भी डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड इट इज़ रेडी टू ईट। मैंने इसमें तड़का मारने के बाद थोड़ा सा इसको चलाया था। अब मैं इसको थाली में परोस रही हूँ, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, चावल को ना कटोरी में अच्छे से डाल के उसको प्रेस करके मैं उसको उल्टा कर देती हूँ, तो एकदम गोल सर्कुलर शेप आ जाता है। लेट मी शो यू हाउ। ये मैंने ले लिया है अच्छे से प्रेस करके चम्मच से, उसको आप उल्टा करेंगे और फिर उठाएंगे तो सी एकदम ये अच्छा सा शेप आता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। एंड बिल्कुल परफेक्ट इंडियन थाली बन चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने पति देव को देने। अच्छा बना, मस्त साग जैसे लग रहा है ना। साग का टेस्ट आ रहा है गर्मियों में। वी हैव कम्प्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स, 1010 हो गए अब तो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।